और बहुत ही स्पीड रैप्स लाइक अ हार्ट अटैक फास्ट फेटल हार्ट इंपैक्ट पास पेनफुल स्कार्स इन फैक्ट आई ब्लास्ट टेस्टफुल बार्स एंड पैक्स आई बैक अप माय एक्शंस फैक्ट डोंट मास्क रैप रिएक्शंस जेट अटैक विद एवरी वर्ड एंड एक्ट विद क्लास एज दे हियर मी स्नैप आई गॉट नथिंग टू लूज cuz आई फाइट एंड गॉट द ब्रूस नाउ आई एम नॉट द वन कंफ्यूज्ड कॉल द शॉट्स एंड दे प्रोड्यूस आई एम लॉस्ट आई एम फाइंडिंग लूज पिक अ न्यू सुपर एक्सक्यूज आई नीड द व्यूज टू बूस्ट मी टू अ न्यू अब्यूज ऑफ बीइंग यूज्ड एवरीबॉडी वांट्स अ पीस नाउ जॉक अ रेस्ट इन पीस नाउ यू डेड टू मी सो पीस आउट रिमेंबर यू जस्ट फ्रीक्ड आउट यू रेडी for defeat now I'm gonna make you bleed out this ain't no repeat now and bleed out all the week now get up and make a change don't remember yesterday if you got something to say speak your mind before your grave cause you're तो गाइस आज हम लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो लेकर और आज आए हुए हैं 99 प्लस जो कि काफी ज्यादा रोचक और रोमांचक खेल होने वाला है आज का, क्योंकि सब लोग ऑमलेट बनाने वाला पैन लेकर आए हुए कि नहीं आए हुए देखते हैं। बहुत सारे बंदे दिख रहे हैं हमको ऊपर से, टोटल 99 प्लस 100 तो नहीं हो पाए बट फिर भी ऑमलेट आज अंडा ज्यादा बनने वाला है लगता है। पूरे लॉबी में बहुत सारे माशा आ रही है, बहुत सारी शाखा आ रही है, देखते हैं कितनों का अंडा बनता है। तो एक बंदे ने हमारे लेव कर दिया शहर से, रूरा की टीम आई हुई है, रूरा मॉडल, रूरा कैफ, रूरा अमर, रूरा वारिस। और दूसरी तरफ हम लोग दिखाएंगे टीआरटी भाई को, हम लोग का प्लेन रोटेशन शूटिंग रेंज से लेकर मिलिट्री बेस तक जाएगा और कोई बंदा अभी भी नहीं कूदा है। काफी भागा दौड़ी वाला मैच होने वाला है आज का, चुकी है टीम नंबर सिक्स, टीम नंबर वन रैपर फाइव क्रेड ऑफ टाइगर के साथ जॉर्ज पुल जाते हुए आई एन डी की टीम लोग देख सकते हैं। फरहान 07 रश की टीम अनदर साइड जा रही है डेराइक के साथ, पोचकी की ओर प्रस्थान कर रही है जो कि एम्बर के आईस स्नाइपर की टीम भी जा रही है आसिफ वाइडी के साथ पूरे पोचिंग में। और बहुत ही ज्यादा लगता है इनको कुछ कतई जहर कुछ मिलेगा, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैन मिलेगा और माफिया बैड भी इसी के साथ पोचिंग का रास्ता अपना चुके हैं। बहुत सारी टीम हम लोग देख सकते हैं आए हुए पूरे पोचिंग में। अनदर साइड देखते हैं बंदर दिख रहा आसिफ वाइडी दौड़ चुके हैं बिल्कुल, इनको पैन मिलेगा नहीं मिलेगा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आईस स्नाइपर उसी के साथ यूट्यूब, हेलो का अच्छा तो गॉड लाइक कभी यहाँ पे कोई सही मिला, ये दौड़ रहे बिल्कुल निहत्ते, इनको मिल चुका है मिली वेपन, देखते हैं ये कितने की खोपड़ी तोड़ते हैं और ये गन के लिए तरस चुके हैं। हर कोई बंदे ये सोच कर जाएंगे गन तो मिलेंगी मिलेंगी बट हर किसी को गन ही नहीं मिली अभी तक 97 प्लेयर्स अलाइव, क्योंकि काफी खुशी की बात है आज कोई खून खराबा नहीं हो रहा, हर कोई गन ही ढूंढ रहा है। लैला ने सोमति को नॉक किया, लैला को हम लोग देख सकते हैं, लैला है कहाँ, ये है लैला जो कि क्रॉसबो लेके दौड़ रही है काफी ओपी तरीके से। रूरा आमिर ने अफाल अंसारी को नॉक किया, रूरा वारिस ने अफाल अंसारी को खत्म कर दिया जो कि यहाँ पे है जो कि गाड़ियां लेकर राउंड रहे हैं लॉन्डो को। फिर से दूसरी तरफ हम लोग चलेंगे रूरा की ही लैला की तरफ जिनके पास क्रॉसबो है, मिस्टर दीक्षित बिल्कुल प्राण हो चुके हैं भाई, इनकी हालत काफी पतली, इनको पैन से रखा है बैटमैन फ्रो ने पैन से नॉक किया एक बार, मिस्टर दीक्षित अपनी गांडे लेके भाग चुके हैं इस वक्त। आसिफ उसने वाइटी को नॉक किया, वाइटी तू देखो को टैब्स रोशन नॉक हो चुके, यूट्यूब गॉड सैक भी नॉक हो चुके हैं जो कि काफी खतरनाक बात है भाई। गन से ही सब कुछ नहीं होता है, पैन से भी कुछ कुछ होता है, ऑमलेट बन सकता है भाई जिंदा। अभी तक 91 प्लेयर्स अलाइव है भाई साहब, देखने वाली बात है। अमान वाईटी भी अभी तक काई कबीले के जो अभी भी अलाइव है, इनको भी कुछ नहीं मिला, ये दौड़ रहे हैं जिंदा इधर से उधर उधर इधर, अभी भी बंदे आईएनडी क्योर नॉक हो चुके हैं जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात इनकी टीम के लिए। लैला ने आईएनएस को नॉक किया, फ्रेंड में आईएनडी क्योर को खत्म भी कर दिया, आईएनडी गज्जू क्रॉसबो लेकर बस एमिंग कर रहे हैं मार नहीं पा रहे बिल्कुल। हाइड्रा वाइडी ने, आसिफ वाइडी ने फिर बदमाश प्रो ने वाइटी को नॉक किया, कोबरा ने जीएल हाइड्रा को नॉक, गेम लगाओ। तो यहाँ पे बगाड़ी भी आ चुके शेयर स्केलर ने 507 रश नॉट के बदमाश प्रो ने आएंगे, ऐसा स्नाइपर ने बदमाश प्रो को नॉक किया क्योंकि कोचिंग के में यहाँ पे गाड़ियों से कुतर दिया गया आईएनडी कचू को। गाड़ियों का मास संग्राम लोग देख सकते हैं, डेथ रेस, आईएनडी कचू को खत्म कर दिया रॉनी ने। अब यहाँ पे लैला ने एक और बंदे को नॉक किया, लैला ओ भाई ये बंदा ऊपर नीचे कर रहा है एम्बॉट, मिस्टर सिक्सटी अभी भी अल्लाह यूपी अरहान को नॉक किया, कोबरा नॉक हो चुके हैं, मिस्टर सिक्सटी लेकर दौड़ चुके हैं और रेड जोन कितनों का खाएगा पता नहीं, आ चुके हैं बिल्कुल नूब बोर्ड बिल्कुल। रेड जोन में मर जाएगा, राउंड अप ले रहे हैं जिंदा दो लॉन्डो को, कनिका कपूर है कहाँ, लैला अभी खत्म हो चुकी हैं, ये लैला अभी भी हैं जो कि मार रही बराबर पैन से। ओ भाई टीम नंबर सिक्स जो कि ड्रॉप लूटते हुए और अनदर सर्वाइवर फेस्ट की फाइट हो चुकी है और ये ट्राई का बंदा
कतई जेड ट्रॉय ड्रैगन ने बहुत ही अच्छा एक बंदे को निपटा डाला बिल्कुल उनके बंदों के सामने ही बहुत अच्छी तरीके से, और एल वन बहुत ही अच्छा खत्म कर दिया एलेक्स विलियम्स ने। ग्रोजा है भाई इनके हाथ में, कनिका कपूर जो कि एक किल्स कर चुकी हैं काफी भाई लौंडिया चेहरा। आइसो स्नाइपर को भी नॉक किया इसने, आइसो स्नाइपर वैसे तो बहुत प्रो है मगर वो जाहिर सी बात भाई ऑमलेट नहीं बना सकते उतना अच्छा। एंड मीट टू भी नॉक हो चुकी है, अल्ट्रा पिच ने रबल मिस्टान को नॉक किया, आइसो स्नाइपर भी खत्म हो चुकी है और लगता है इनके पास तेल की ज्यादा कमी है कनिका कपूर के पास और ये भाग नहीं बनते। आके अपने अल्ट्रा पिच को नॉक किया, ओ भाई यहाँ पे महासंग्राम हो चुका है, टीम नंबर 14 ने मंगवाया हुआ है बिल्कुल ड्रॉप और सामने ही रेबल उमर है और रेबल उमर को मारने की पूरी कोशिश हो रही है, चार बंदों के बीच रेबल उमर कूद चुका है, रेबल उमर ऋषि के साथ उनका ऑमलेट बन चुका है और ये टीम उनको मार खत्म करने की पूरा प्रयास नहीं कर रही क्योंकि उन्हीं के बंदे रेड रेंजर पर बाकी दूर से देख रहे हैं। आज उन्होंने जैक को फन बॉल को नॉक किया, ओ भाई यहाँ पे टीम नंबर 22 जो कि कतई जहर भाई अपने बंदों को बिल्कुल गाली से ही घुमा रहा है, अमान काई कबीले के जो अभी भी जीवित हैं 2 किल्स के 5 किल्स के साथ भाई लोग टीम नंबर 23 के साथ आ रही थी बट ये लोग निकलेंगे कोबरा मोहित के साथ जो कि अकेले अपने बंदे तीन के बच्चे हुए हैं। अभी भी 53 प्लेयर्स लाइव रेबल सक्सेस ने रेबल उमर को खत्म कर दिया, रेबल मिजान रेड रेंजर को खत्म कर दिया भाई बहुत ही सही मौके पर चौका मारो। यहाँ पर लोग देख सकते काफी बुलंद हो चुके टीम नंबर 23 का बंदा बिल्कुल अकेला ही पड़ जो टीम नंबर 22 ने काफी जहर खत्म कर दिया कोबरा मोहित को। संग्राम के महासंग्राम में टीआरजी थंडर ने छत्रपति सिंह को नॉक किया और लगता है सोहेल की पेटी बनती आरजी छत्रपति सिंह को खत्म कर दिया, जेबी भीम ने आई डिक्रिंग को खत्म कर दिया और बहुत ही सही बंदे के अंदर बहुत ही दम था बट भाई तेल की कमी थी तुम्हारे। फेरी भैया को हम लोग देख रहे हैं जो कि ड्रॉप की तलाश में कहां कहां नहीं भटक रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सामने इन लोगों ने ड्रॉप को देख लिया, अब ये लोग ड्रॉप को लपकेंगे। रफी ने पार्थो को नॉक किया, फेरी के साथ टीम नंबर 24 भी ड्रॉप की और दौड़ रही है, देखते हैं ये ड्रॉप किसके हाथ में जाता है किसके हाथ में नहीं जाता है। उसके साथ अलादीन एमएफ भी है जो कि क्रॉसबो के साथ ही है, यूपी शादा बिल्कुल इनके आगे ही देख रहे हैं मतलब चल रहे हैं और एक ड्रॉप की और बाकी सारी गाड़ियां लग चुकी है। 40 बंदे अभी भी अलाइव वाला टीमों के साथ टीआरटी फेरी मारने के लिए पूरे लगे हुए हैं, टीआरटी फेरी को हम लोग देख रहे हैं क्रॉसबो से मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बट यूपी शादा को कुछ हो ही नहीं पा रहा है और यहाँ पे टीआरजी लेजेंड लगता है कि ड्रॉप हंट कर लेंगे। भाई साहब ड्रॉप हंटिंग हो चुके हैं यहाँ पर, यूपी सदा बहुत ही अच्छा ड्रॉप किया बट यहाँ पे एमआरएक्स रशीद ने संभाल लिया बहुत ही सही खत्म करने की पूरी कोशिश। ट्रॉय जो कि आ चुके हैं ट्रॉय और बंदे को नॉक करने की पूरी कोशिश बट बंदे के पास ग्रोजा है, बंदा गोलियां वेस्ट कर रहा है जो कि काफी कतई जहर वाली बात है भाई, गोलियां वेस्ट नहीं करने का तेरे को बहुत दूर तक जाने का। कन्निका कपूर जो कि ऑमलेट 3 बंदों का बना चुकी थी इनके जस्ट सामने ही टीम नंबर 9 का बंदा भागते भागते रह गया, कन्निका कपूर के पास तेल वेल सबको आ चुका है, तेल मसाला और सामने के पास बहुत ही सही तरीके से ऑफिशियल तुष्की भाग रहे हैं बिल्कुल लग तो रहा है कि इनकी फटके हाथ में आ चुकी है, 2-4 हो चुकी है। पंडित आकिब ने बॉट समीर को नॉक किया, भाई रेबस पाड़ा के पास इन लोगों के पास तो प्लेयर थी बट लगता है वो लोग पैन का यूज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बंदा बिल्कुल ही भाग रहा है भाई। नाजिम भाग भाग अर्जुन भाग नहीं यहाँ पे गाना ये चल गया, भाग भाग डीगे भोसड़ी के भोसड़ी के बोल भाग भाग डीगे भोसड़ी के भाग आंधी आई एमआरएस ने ट्रॉय ऑर्सन को खत्म ही कर दिया, लौंडे टीआरटी लेजेंड ऑर्सन को खत्म कर नॉक था लगता है खत्म कर दिया भाई। कनिका कपूर तो लगता है बिल्कुल पीछे ही पड़ गई है, छोड़ने का नाम ही ना ले रही है भाई, लौंडिया कौन है भाई मेरे को भी रिक्वेस्ट भेजी है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे महासंग्राम में 10 गाड़ियां बिल्कुल चल रही है, रूरा के साथ मॉडल ने रेबल सक्सेना ने पॉट सलमान को नॉक किया, यहाँ पे गाड़ियों का महासंग्राम रेड जोन में गाड़ियां दौड़ रही है बिल्कुल डेथ रेस बिल्कुल फाइनलिस्ट हम लोग देख रहे हैं। कनिका कपूर ने एम्बॉट मिस्टर 60 को खत्म कर दिया भाई कतई जहर भाई, टीम नंबर 19 ड्रॉप हंटिंग के पूरे मोड में है और आगे टीम नंबर 7 की भी टीम बिल्कुल और ये लोग गाड़ियां लड़ा रहे हैं भाई, नाजिम मेरा है भोसड़ी के भाग और ये बिल्कुल पीछे ही पड़ चुके हैं लगता है टीम नंबर सेवन की काफी ज्यादा हालत पतली है। रफी और मिस्टर 7 के साथ शेयर में टकराते रह गए बस और लगता है यहाँ पे बिल्कुल किधर की मौत आई और भाग रहे हैं बिल्कुल टीम नंबर 7 के पीछे टीम नंबर 19 बिल्कुल पीछे ही पड़ गए भाई, बचने का कोई चारा ही नहीं है ऐसा लगता है छोड़ ही नहीं रहे ये लोग। यहाँ पे अपने बंदों को की तरफ बिल्कुल लेता है और यहाँ पे लगता है कुछ ना कुछ हो सकता था, ये क्रॉसबो लेकर उतर चुके हैं एमआरएक्स रशीद, ग्रोजा हाथ में आ चुकी है अब इनके, यहाँ पे बहुत ही फाइट बहुत ही अच्छा रफी नॉक हो चुके हैं बिल्कुल हम लोग देख ही सकते हैं रफी नॉक हो चुके हैं और टीम नंबर 7 का समीर काफी ज्यादा मुसीबत में भाई, इसके पास समीर के पास जंगलेटर थी बट जंगलेटर चलाया नहीं, स्टार शैडो ने बहुत ही अच्छा नॉक एक बंदे को
बट क्रॉसबो नहीं लग पाया, एमआरएफ रशीद ने नॉक कर दिया। टीआरटी लेजेंड को उठाया जा रहा है, बिल्कुल टीम नंबर इपिक वीक है क्योंकि काफी ज्यादा कोशिश कर रही है। नॉक को भाई पंडित आकिब ने डायनो एक बंदे को नॉक किया था, लगता है रशीद मार सकते हैं फिर से। टीम नंबर 19 के अनदर बंदे भी आ चुके हैं और यहाँ पर टीम नंबर 7 फिनिश हो चुकी है। बिल्कुल हम लोग चलेंगे दूसरी और रेबल की टीम की ओर। आकिब ने अभी एक बंदे को नॉक किया था। ओ भाई टीम नंबर 6 ने बहुत ही अच्छा नॉक किया रेबल सक्सा को भी और पंडित आकिब को भी। क्रेटोस टाइगर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। MK14 ऑटो मोड पे चलाया जा रहा है। शैडो आकाश को नॉक किया, बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म कर दिया गया यहाँ पर। टीम नंबर 6 ने काफी कतई जहर मचा दी। पंडित आकिब भी खत्म हो चुके हैं। रेपल मिजान और अनदर साइड जा रहे कोबरा शायद के। ओ भाई ये तो कतई जहर टीम अप हो रही है ना जी। मैं गाड़ी में दूसरा वाला लौंडा बैठ चुका है और ये कोबरा शायद कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि रेपल मिजान ने पैन नहीं चला सकते। गाड़ी में पैन नहीं चलता है लौंडे, पता है कि नहीं पता है। तू चला बस रीके, मैं हिल मार लो। ओ भाई टीम नंबर 22 की फाइट हो चुकी है। बिल्कुल ये लोग लड़ चुके हैं। रूरा आरिफ की मतलब मौत मृत्यु निश्चित है। टीम नंबर 22 और टीम नंबर 10 काफी कतई डेथ रेस हो रहा है इन लोगों के बीच में। लगता है ये लोग छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे रूरा वसीम को और यहाँ पे गाड़ियाँ टकराते टकराते लगता है इन लोगों की मौत हो जाएंगी यहीं पे। बिल्कुल गाड़ियों का संग्राम भाई। कनिका कपूर ने कतई जहर अंडे बनाए हैं। बिल्कुल चार बन लो, चार लौंडों के अंडे बना दिए और सामने एक लौंडा। बिल्कुल कनिका कपूर के बिल्कुल सामने एक लौंडा फ्रीम और टीम नंबर 22 ड्रॉप हंटिंग करने के बिल्कुल मूड में है। और अनदर साइड से टीम नंबर 9 भी आ चुकी है। बिल्कुल और ये पहले के कूद चुका है, जनरेटर चल चुका है। बिल्कुल बहुत ही कतई जहर, बहुत ही ज्यादा गन से इनके पास और ये एमआरएफ रशीद काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा किल्स के साथ ये लौंडे हो चुके हैं इससे। ओ भाई मैपिंग बहुत ही ज्यादा आई, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को। ये लौंडे भाग चुके हैं। बिल्कुल रेबल मिजान ने डेढ़ाई को नॉक कर खत्म कर दिया। आठ किल्स हो चुके हैं इन लौंडों की। कनिका कपूर मौके पे चौका मार के निकल चुकी है। ये दोस्ते हम नहीं छोड़ेंगे भाई, इनका कोई दोस्त ही नहीं यहाँ पे। फिर से एक लौंडे को पीस दिया टीआरटी की टीम ने, बहुत ही कतई जहर। M249 से इंतकाल मचा दिया है। बिल्कुल बवाल डेथ रेस भाई साहब। टीम नंबर 18 बिल्कुल शटर 420 के साथ जैको 444 के साथ बिल्कुल सामने ही जा रहे हो। ये बिल्कुल मौत है मुंह में जाने से पहले से टक्कर खा गए और सामने ही मौत है, जाहिर सी बात है। ऑफिशियल तश्की बिल्कुल इनके जस्ट सामने ही। प्रोन है जो कि ड्रॉप के पास है, सोच रहे थे कुछ मिल जाए बचा कुछ माल बट इनको ना मिला और ये खत्म हो गए। और लगता है जैको शटर जोन से ही जाएंगे। जैको नॉक हो सकते हैं और शटर भी नॉक हो ही सकते हैं ना जी। मार ले बहुत तरीके, जोन तो काफ़ी ज़्यादा दूर है। उसी के साथ टीम नंबर 22 ने बहुत ही अच्छा रेबल मिजान को खत्म कर दिया जो कि गाड़ियों से जाकर टकरा गए थे और टक्कर से याद आया टक्कर में इनकी गाड़ी भी फंस चुकी है इसी वजह से वो मर गए। ये लौंडा शटर 420 प्ले जोन से चले गए। पहले मैंने तो पहले ही कहा था वो लौंडा चला जाएगा। यहाँ पे इस लौंडे के बिल्कुल सामने ही बंदे हैं और लौंडा एम के सिंगल मोड पे चला रहा है। नाजिम एक ही बंदा बचा हुआ है। बिल्कुल बहुत ही सही कोशिश कर रहा है बट नॉक हो गया सीधे जाने की वजह से। अमान काई कबीले से जो कि निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लौंडे गाड़ी फट जाएगी। शटर 420 प्ले जोन से खत्म हो गए। पूरी कोशिश दबाने की, शायद दबा सकते हैं 10 गोलियों के साथ भाई। इनसे एमके चल ही ना रही आई थिंक। दस गोलियां खत्म, बहुत ही अच्छा नॉक किया अमान काई कबेले से बट खत्म हो गए। बहुत ही अच्छा शॉट ले लिया इस बंदे ने। राम यहाँ पे बिल्कुल हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, टीआरटी लेजेंड M249 का जंगलेटर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। रूरा आमिर और टीम नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा दहशत में। टीआरटी फेरी काफ़ी ज़्यादा गन्स के साथ ये लोग हैं। क्रॉसबो और अनदर गन्स के हाथ में है। बिल्कुल टीम नंबर 18 का बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। जैको 444 और ड्रॉप लूट चुके हैं रूरा आमिर ने और लगता है ये पहनाएंगे AWM का शॉट बट ये दूसरी गाड़ी में बैठ चुके हैं रूरा वारिस और रूरा आमिर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रूरा आमिर भी निकल चुका है, रूरा वारिस भी निकलते जस्ट नॉक होते थे बचे हैं रूरा वारिस और बच गए भाई। नाजिम बच गया बट रूरा वारिस के पीछे सब पड़ चुके हैं। लगता है ये जिंदा ही नहीं बचेंगे, इनकी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और टीआरटी लेजेंड जनरेटर
भर दिया गया बिल्कुल 100 बोलिया का। रूरा आमिर बिल्कुल जा चुके AWM इनके पास, खत्म कर दिया एक और लंडे को। रूरा आमिर ने बहुत ही अच्छा शर्ट पहनाने की पूरी कोशिश, बस टियाटे लेजेंड को भी एक शर्ट नहीं अल्लाहदीन को पहनाया था, बहुत अच्छा दूसरे बंदे को भी शॉट पहनाया, बट जंगलेटर लेके घुस गया। रूरा मॉडल भी आ रहे हैं बिल्कुल पीछे से, गोलियों की बहुत ज्यादा कभी धीरे धीरे चलाया जा रहा है, बट टीआरटी लेजेंड के पास काफी ज्यादा गोलियां लगता है, ये बिल्कुल कतई अंधाधुंध चला रहे हैं बहुत थोड़ी अपने बंदे को उठाया जा रहा है। रूरा की टीम के बंदे ने बहुत ही अच्छी कोशिश की थी यहाँ पे, दो बंदों को डाउन किया था काफी बेहतरीन। इसके साथ कनिका कपूर चली आई हुई है बिल्कुल दूसरे किचन में, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बंदे अभी भी अलाइव हैं, इनको अभी भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि लास्ट वाले बंदों के पास गन्स है और इनके पास पैन है, और ये लोग कतई शहर काम कर रहे हैं। अगर ये लोग किसी बंदे को डाउन, रूरा अब सबसे पहली चीज़ है कि अगर टीआरटी लेजेंड को नॉक करते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खेल आसान हो सकता है, बाकी लॉन्डो के पास गन्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, वो लोग आराम से चला रहे हैं। टीआरटी लेजेंड अंधाधुन गोलियाँ बहा रहे हैं, अरोरा मॉडल काफी ज्यादा खतरे में, डीआरडी लेजेंड गाड़ी चला रहे, अच्छा हुआ कि डीआरडी लेजेंड गाड़ी चला रहे मार्क्स असिस्ट, अरोरा मॉडल का उसी की तरह काफी ज्यादा आगे जाते हुए कनिका कपूर के बिल्कुल, और भर दिया इन्होंने उतरते साथ ही भर दिया, पहले गाड़ियों से भराया गया था। कनिका कपूर काफी ज्यादा दहशत पे, गोलियां चल रही है इनके पास, फैन करेंगे तो करेंगे क्या, और F07 Rush उनके साथ क्या F07 Rush, और लगता है दोनों की पेटियां बनाई जा सकती हैं, इनके पास भी गन्स हैं, इनके पास क्रॉसबो ही हैं। टीआरटी लेजेंड काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा रही है लगता है टीआरटी की टीम, और एक बंदे को वैसे ही नॉक कर दिया गया अलादीन MF ने, बहुत अच्छी कोशिश की थी कैफ की टीम ने, 07 की टीम ने, बट कुछ नहीं कर पाए। और कनिका कपूर नहीं भाई, ये तो वो वाली गाड़ी है, ये तो सुते नहीं छोड़ेंगे ड्रॉप मगर अब तो हंट हम नहीं करेंगे, और अभी तक जीवित है, और लगता है लेजेंड डायरेक्ट ठोक देंगे शेख के पास, और पैन से काफी मुक्का उक्का चल रहा है, एक बंदे के पीछे सब तोड़ गया प्ले जोन, खाने लगा डैमेज से टीआरडी की टीम, ले जा चुके चिकन डिनर।